हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा गांव में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धुलंडी के अवसर पर पत्थर मार होली खेली गई। ग्रामीणों ने आमने सामने गोपन से खूब पत्थर चलाए जिसमें 30 जने घायल हुए जिनका भिलूड़ा में ही डॉक्टरों द्वारा उपचार किया गया। धुलंडी के अवसर पर खेली जाने वाली इस पत्थर मार होली के पीछे भी ग्रामीणों की अनूठी मान्यता है। ग्रामीणों की माने तो हजारों वर्ष पूर्व तत्कालीन शासक ने एक पाटीदार जाति के व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसके बाद उसकी पत्नी वहां सती हो गई थी तथा उसने श्राप दिया था कि होली के पर्व पर यहां इस धरती पर इंसान का खून गिरना चाहिए नहीं तो गांव पर संकट आ जाएगा। तब से लेकर आज तक इस मान्यता को लेकर यहां के लोग इस खूनी खेल को खेलते आ रहे हैं। भिलूड़ा की पत्थर मार होली आसपास के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। इस पत्थर मार को देखने आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों लोग भिलूड़ा आते हैं। आज भिलूड़ा राड खेलेगी जिसमें कुल अभी तक 30 लोग घायल होके यहाँ इलाज के लिए आए थे जिसमें से 17 लोगों के हमने टाके वगैरह लिए जिसमें 3 लोगों को ज़्यादा चोट वगैरह लगी थी जो हमारा स्टाफ सभी ने यहीं मैनेज करके पेशेंट को घर भेज दिया है। बाकी किसी को इतनी ज़्यादा इंजुरी नहीं आई थी जिनको रेफर करना पड़े। ठीक है जी सर, मेरा नाम डॉक्टर युवराज सिंह चौहान जी सर। कुएं के पास में एक मंदिर बना हुआ है तो वो वहाँ पर जो बाई सती हुई थी तब से ये पाटीदार समाज का ये मानना है कि अगर ये खेल नहीं होता है तो गांव के परिणाम बहुत दुष्परिणाम आते हैं। इस वजह से ये खेल पाटीदार समाज एक बार चालू करता है फिर इसको जो भी खिलाड़ी इच्छुक है वो इसमें जाते हैं। और ऐसे ही हादसा खरवड़ा से एक पाटीदार था जिसके खुद की ढूंढ थी तो घर वालों ने मना कर दिया कि आपको खेलने नहीं जाना यूँ तो ऊपर से कैलू उतार करके बल्ले डंडे निकाल करके वो यहाँ खेलने आया और उसकी डेथ हो गई। फिर उसको जो है वो डेथ बॉडी यहाँ से लेकर के गए। लेकिन ये अभी जैसे खेल रहे हैं एक दूसरे के पत्थर भी मार रहे हैं ये गेम बंद होने के बाद में सब आपस में एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं मिलनसार है ऐसी कोई दुश्मनी नहीं रखते हैं यहाँ कोई मुकदमा नहीं होता है। प्रशासन में आज दिन तक कोई मुकदमा इसका लागू नहीं हुआ। पास में हॉस्पिटल है वहाँ इनकी पट्टा पट्टी हो जाती है ज़्यादा कोई ऐसा हो तो इसको रेफर कर दिया जाता है यहाँ से। ये सब व्यवस्था प्रशासन पहले करता था अभी भी अंदर हॉस्पिटल में जैसे जिनको भी लगा है वो गए हैं और ये जैसे ही बंद होता है एक दूसरे को सब मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे कोई ऐसी बुरी भावना नहीं रखते हैं कि ये अपना कोई दुश्मन बन गया आज की तारीख में ही हूँ। जिसको भी लगा उसके वहाँ उसके घर पे मिलने भी जाएंगे अभी शाम को गांव वाले भी जाएंगे ये पार्टी भी जाएगी ना वो पार्टी भी जाएगी। कौन कौन सी टीम खेलती है सर ये इसके साथ में भिलूड़ा से सेंटर का जो रोड है उससे आधा गाँव इधर नीचे आधा गाँव ऊपर है। ऊपर वाले गाँव में जेठाना है इधर आरा है ये कांठल अरे सॉरी ये सागवाड़ा ये चार पांच गांव ऊपर खेलते हैं। सेलोता भी ऊपर में सेलोता भी है और यहाँ जो नीचे जो भाव है नीचे वाली पार्टी है उसमें ये वगेरी पाड़ला धाणी परसोलिया खरवेड़ा ये फलातेड़ बोरी बिलोदा ये सब नीचे के भाग में खेलते हैं। और यहाँ जो नीचे वाला मोहल्ला है वो इनको आमंत्रण के लिए सुबह में कल या आज सुबह नारियल भेजते हैं कि आपको खेलने यहाँ पधारना आई हूँ ये निमंत्रण ये शुरू से परिपाटी बनी हुई आई है और उस निमंत्रण पे ये लोग यहाँ खेलने के लिए आते हैं और ये खेल खिला के फिर अपने चौक में वापस जमा होते हैं। वहाँ पानी वगैरह इनकी व्यवस्था बीड़ी वगैरह की होती है फिर वो अपने अपने घर जाते हैं। ये सिस्टम बरसों से चलता आ रहा है न चल रहा है। हेलो भिलूड़ा में जो राड खेली जाती है वो 400 साल पुराना इतिहास है और उस ज़माने में जमींदार भिलूड़ा का था वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे उसका फार्म हाउस था उधर से एक बैलगाड़ी में आ रहा था। उस कुत्ते का नाम था जगमाल और तभी बगेरी राजा का भी नाम था जगमाल तो जगमाल नाम के पुकारा तो तुम मेरा नाम कुत्ते को क्यों दिया करके उसको मार दिया तो उसकी पत्नी उसमें सती हो गई उस टाइम से तभी से 2 मौत हो गई यहाँ से करीबन 400 साल से ज़्यादा और 2 मौत हो गई। हुआ यहाँ पे हाँ हादसा हुआ बताइए पुराना हादसा हुआ ऐसा सुनने में आया कि एक किसी का पांव टूट गया दो पांव टूटे एक हकरू भाई भाटिया और एक लालजी का सुथार दोनों को उस जमाने में यहाँ कोई ऑर्थोपेडिक नहीं थे बॉम्बे जाके इलाज करना पड़ा।
खैरवड़ावरा पाटीदार की मृत्यु हो गई और ये हमारे नर्मदा माँ करके थे उनके ससुराल जी की मौत हो गई ब्राह्मणों में व्यास परिवार में जोशी परिवार थे तभी तो परंपरा है कि यहाँ खेलना ही पड़ेगा कोई भी अभी नहीं खेलेगा करके भी आएगा तो खेलना उसको उत्साह आ ही भी जाता है यहाँ पर। भीलूड़ा ग्राम का बहुत पुराना इतिहास है कि हम खेल के मैदान में इसलिए आते हैं कि जो पत्थर आमने सामने फेंकें। कहा जाता है कि सती माता का यह श्राप रहा है, यहाँ से ये थोड़ा बहुत भी वो रहेगा वो गांव में सुख शांति और बीमारियों से मुक्त गांव रहेगा। इसलिए प्यार से बिना ढार बिना गोफन के ये खेल प्रारंभ हुआ और बहुत प्रेम से खेलते थे। कभी किसी को इतना नजदीकी जाकर के हमला करना और ऑटोमेटिक जैसे संविधान जैसे बना हुआ हो ना वैसा इस खेल का अपना संविधान है। इस संविधान के तहत वो एक निश्चित दूरी से आगे कभी नहीं जाते, चाहे खिलाड़ी सामने वाला खेल के मैदान में पीछे जाए लेकिन खिलाड़ी यहाँ से आगे नहीं आते, ऊपर वाले और नीचे नहीं आते। धीरे धीरे खेल बढ़ते बढ़ते इसमें थोड़ी सी विकृति आई है और अब खेल के मैदान में जब आदमी सामने दूसरे को पहचान जाता है तो पत्थर ऐसा भेजता है उसकी ओर सामने कि तुम संभालना। लेकिन इस खेल को देखने के लिए आसपास के 15-17 गांवों से लोग आते हैं। दो भाग बने हुए हैं, एक रघुनाथ जी मंदिर के बीच में से एक लाइन जाती है सीधी, वो ऊपर है ये नीचे है, ऐसा दो भागों में बना हुआ है। चाहे वो भाई का परिवार सामने आता है तो भाई का परिवार ऊपर से खेलता है और उसके छोटे भाई का परिवार सामने नीचे से खेलता है। जैसा कि यह एक पारंपरिक परंपरा है, विगत 300 वर्षों से यह खेल खेल भावना से खेला जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई किसी का प्रतिशोध नहीं रहता है, एक दूसरे के जब लगते हैं पत्थरबाजी होती है। पर पत्थर पहले एक सामान्य रूप से खेला जाता था, गोफन का उपयोग नहीं किया जाता था और एक परंपरा के रूप में कोई द्वेष भावना नहीं थी। पर दिन दिन इसमें खेल में विकृति आने लग गई है और न किसी पे कोई FIR लॉज होती थी। एक पारंपरिक खेल के रूप में यह खेला जाता था, जो पाषाण काल में मानव का जो पाषाण काल है उसको याद किया जाता था। तो इस प्रकार से यह खेल खेल भावना से खेला जाता था। पर दिन दिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी विकृति आ गई है और हमारे सभी जनप्रतिनिधि भीलूड़ा गांव के कोई जनप्रतिनिधि वहाँ मौके पर नहीं पहुँचते हैं। पर अभी हाल में पिछले 4-5 वर्ष से हम देखते आ रहे हैं कि बाहर के लोग आकर के खेल रहे हैं। स्थानीय लोग केवल सांकेतिक रूप से खेलना चाहते हैं पर बाहर के लोग आकर के इसमें उसका विकृत रूप ले लिया है, जो आने वाले समय के लिए प्रतिवर्ष यहाँ 50-60 लोगों को लगता भी है। और कुछ लोग तो जैसे अखबारों में नाम आते हैं तो कुछ लोग तो केवल अपना नाम आ जाए उस वजह से जानबूझ के अपना पत्थर लगवाते हैं इस प्रकार से, और कोई शराबी तत्व आकर के इस प्रकार से खेल खेलते हैं। पर यह एक परंपरा है, भीलूड़ा की सती माता का जो है वरदान श्राप है उसको मानते हुए पाटीदार समाज कि जब तक एक बूंद भी खून की नहीं निकलेगी तब तक यह खेल में गाँव में शांति नहीं रहेगी, ऐसा पाटीदार समाज पर कोई श्राप है, उस श्राप को लेकर के यह खेला जाता है। और हम अपेक्षा करते हैं, हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर के चाहेंगे कि एक सामान्य रूप से जो वर्षों पहले होता था जब हम बचपन में देखते थे उसी उस वह खेल का स्वरूप वैसा वापस आ जाए और शांति बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाएं के साथ में सबको जय हिंद जय भारत।